अस्सलाम वालेकुम। हाय दोस्तों, मैं हूँ साजिरा। आज हम नया नवेला कुरकुरा सी नाश्ता बनाएंगे, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है और बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि हम इसे बहुत ही कम तेल में बनाएंगे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं बनाना। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक का सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई को गरम कर लिया है और 1 कप पानी मैंने ऐड कर लिया है। पानी को उबलने देते हैं। उससे पहले हमें यहाँ पे नमक ऐड कर लेना है, तो मैं नमक ऐड कर लेती हूँ और इसे मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से, ताकि ये अच्छे से घुल जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर हमें इसे उबाल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, पानी बहुत ही अच्छे से उबल चुका है। अब हम इसमें सूजी या सेमोलिना, जो भी नाम से आप जानते हो, वो ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे कुछ टाइम के लिए पकने देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे से पक गया है। अब इसे साइड में रखते हैं ठंडा करने के लिए। यहाँ पर मैंने एक खाली बाउल ले लिया है। बाउल में अब हम उबले आलू को ऐड करेंगे, जिसे पहले से ही मैंने उबाल कर रख लिया था। साथ में कटी हुई गाजर को भी ऐड कर लेती हूँ। अब मैं यहाँ पे हरी मिर्च इस्तेमाल कर लेती हूँ, जिसे मैंने काट लिया था पहले से ही। साथ ही कुछ कड़ी पत्ते भी, जिसे मैंने चॉप कर लिया है, वो भी ऐड करूँगी। अब मैं यहाँ पर चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। आप अपने तीखे के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। साथ में चाट मसाला भी ऐड कर लेती हूँ। ब्लैक पेपर भी ऐड करना है मुझे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिए फ्रेंड्स। अब हम इसे फ्रेशनेस के लिए कोरिएंडर ऐड करेंगे। इससे हमारी डिश का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा और काफ़ी फ्रेशनेस मिलेगी दोस्तों। तो इसे ऐड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसे ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे काफ़ी अच्छे से मिक्स करना है, ताकि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए और आपस में मिक्स हो जाए। आप चाहो तो हाथों को अच्छे से क्लीन करके हाथों से मिक्स कर लेते हैं। तो ये मिक्स हो गया है दोस्तों। अब हमें जो सूजी रखा था ठंडा करने के लिए, वो भी ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हाथों को अच्छे से क्लीन करके मिक्स कर लेती हूँ दोस्तों, ताकि सारे मसाले आपस में मिक्स हो जाए, मिल जाए। तो ये रेडी हो गया है। अब मैं यहाँ पे एक नींबू के जितना मिश्रण ले लेती हूँ, और आप चाहो तो कोई भी अपनी मनपसंद शेप दे सकते हो। तो मुझे इसी तरह से अच्छी लगता है, तो मैं ये शेप दे रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से बना लीजिए। मैं सारा ही एक साथ बना लेती हूँ। तो चलिए, यहाँ पर मैंने सारा रेडी कर लिया है। इसी तरह से बना लीजिए। तेल भी गरम होने रख दिया है। यहाँ पर हमारा तेल बहुत ही अच्छे से गरम हो गया है। अब हमें इसे शेलो फ्राई करना है दोस्तों। एक साथ में हम 5 से 6 कर सकते हैं। गोल्डन ब्राउन कलर इसे देना है हमें, मीडियम फ्लेम पे। तो इसे मैं कर लेती हूँ। इसे अच्छे से अलट पलट कुरकुरा करना है हमें। जब इसकी साइड चेंज करें, तब एक साइड कुरकुरा हो जाए, तभी करें दूसरी साइड भी अच्छे से कुरकुरा हो जाए। इसी तरह से हमें सारा करना है।
इसे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है दोस्तों। ये एक बार आप बना लीजिए तो सब भूल जाएंगे, इसके आगे सब फीका हो जाएगा। तो चलिए अब मैं इसे गर्मा गर्म सर्व करके दिखा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सर्व कर लिया है, गर्मा गर्म चटपटा कुरकुरा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। आप सबने देखा कितनी इजी, कितने आसान तरीके से मैंने बताया और झटपट से बनकर तैयार हो गया है। सिर्फ नवरात्रि में नहीं, आप स्पेशल और यूनिक टाइम पे भी इसे इंजॉय कर सकते हो, पार्टी वगैरह में भी इंजॉय कर सकते हो दोस्तों, और बच्चों को भी दे सकते हो टिफ़िन बॉक्स में, या टी टाइम में भी आप इजीली इंजॉय कर सकते हो। बहुत ही अच्छी रेसिपी है दोस्तों जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। तो झटपट से बनकर तैयार हो गया है कुरकुरा चटपटा नाश्ता, कैसा लगा है आप मुझे कमेंट्स ज़रूर करिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब करने से आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए फिर से मिलूँगी मैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।